नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज के बारे में, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रहा है, उसी को हम इस तरीके से समझ रहे हैं ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए, बल्कि हम इस पर्सनालिटी के प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरह से तैयार कर पाए कि कभी भी इसमें कोई दिक्कत ना है। हमने 6.2 एक्सरसाइज बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला भाग इसका कर लिया था, जिसमें हमने दोनों ही महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में डिस्कस किया था, उसको दोनों को सिद्ध किया था जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने प्रमेय के बाद में हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो पर्सन है उसको सॉल्व करके देखा था। आज हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर्सनालिटी के सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला सवाल है, हमारा जो पहला सवाल है आज का, जो हम 6.2 एक्सरसाइज बात कर रहे थे। हाँ, हम तीन क्वेश्चन की बात कर रहे थे, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से तरीके से करेंगे, आपको थोड़ा सा बस ध्यान अच्छी तरह देना है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, पहला दिया आकृति में DE समांतर AC है, देखिएगा जरा ध्यान से आकृति में क्या दिया हुआ है, DE, ये है हमारा DE और ये है समांतर AC है, ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी है, ठीक है, और DF समांतर AE है, ये DF है, ये DF, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये है DF, ये जो DF है वो इसके समांतर है, AE के समांतर है। सिद्ध करना है आपको BF बटे FE बराबर होगा BE बटे EC, ये आपको सिद्ध करना है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अपन देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम आकृति में जो दिया होता है ना वो लिख लेते हैं, तो सबसे पहले हमें दिया है, हम वो लिखेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है DE समांतर है AC और एक और हमें चीज दे रखी है DF समांतर है। हमें जो सिद्ध करना है या प्रूफ करना है वो हमें करना है कि जो BF है समांतर है FE के, BE बटे EC, ये इनका अनुपात बराबर है, ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। चलिए हम इसको हल करते हैं, उत्पत्ति देखते हैं या इसका हल देखते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो भुजा आ रही है ना, जिसके अंदर ये देखिएगा ध्यान से, जिसके अंदर ये आ रहा है इसी त्रिभुज को ले लीजिएगा। चलिए हम इसको देखते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा, देखिएगा DE समांतर AC, DE ये रहा DE और समांतर AC ये, तो हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, पूरा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है DE जो समांतर है AC के, जो DE भुजा है वो समांतर है AC के, देखिएगा DE भुजा कौन सी है, ये DE भुजा है, समांतर किसके है AC के, और ये हमारा पूरा त्रिभुज है। तो देखिएगा हमने पहली प्रमेय से 6.1 प्रमेय से हमने ये सीखा है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इस प्रकार खींचेगा तीसरे के समांतर हो, ठीक है, समांतर दे रखिए, तो उन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन भुजाओं का क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो चलिए देखिए हम देखते हैं, यहां से अनुपात लेते हैं, तो अनुपात क्या आ जाएगा, पहले यहां का अनुपात लेते हैं, तो BD बटे DA बराबर किसके होगा, ये देखो ये भुजा बटे इसका अनुपात बराबर किसके होगा, BE बटे EC, ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। देखिएगा हम भुजाओं का अनुपात कैसे लेते हैं, इस भुजा का यहां से यहां तक का अनुपात यानी B और D का अनुपात बटे DA का अनुपात बराबर, क्योंकि ये भुजा समांतर है तो इससे बने BE बटे EC, ये हमारा त्रिभुज ABC लेते हैं जिसके अंदर अगर भुजा ये समांतर है, ये किससे हुआ है, प्रमेय 6.1 से, या प्रमेय से लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी, आपको समझ में आ गया। दूसरा हम फिर से लेते हैं, यहां पे दूसरा हम फिर से देखते हैं, यहां पे देखें
तो हम क्या करते हैं यहां पर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं त्रिभुज। अब की बार त्रिभुज तो वही है, त्रिभुज एबीसी में, लेकिन इस बार भुजा का जो हमें समांतर दे रखी है वो अलग अलग है। ठीक है, इस बार हमें समांतर दे रखी है डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर ए। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा डी एफ कौन सा है। देखो डी एफ ये रहा, डी एफ ये रहा और ए ई ये रहा, डी एफ ये रहा और ए ई ये रहा। तो हम त्रिभुज एबीसी ना लेकर यहां पर क्या लेंगे, त्रिभुज एबीसी ना लेकर यहां पर जितना त्रिभुज आ रहा है वही लेंगे। तो यहां पर हमारा जो त्रिभुज है वो है बी ए ई, बी ए ई यहां तक। तो इसमें अगर ये भुजा बराबर है तो अनुपात इसमें भी बराबर होगा, तो हम लिखेंगे बी डी बटे ये बटे डी ए बराबर किसके होगा, यहां पर देखो बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे ये हमारी समीकरण नंबर दो। ये भी हम परमेय से किया है। देखो अगर भुजा समांतर होती है किसी त्रिभुज के अंदर तो उससे जो अनुपात बनता है यहां पर अपन सिद्ध करने में देखता है, ये देखो ये बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। पहले ये दोनों भुजा समांतर, ये भुजा समांतर थी तो इससे अनुपात लेंगे। अब आप समीकरण एक और दो से देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा जरा समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से हम तुलना करें एक व दो से क्या देखते हैं हम, एक दो से हम ये देख चुके हैं कि अगर भुजाओं की ये वाली साइड बराबर है, देखिएगा बी डी बटे डी ए, यहां बी डी बटे डी ए इधर वाली साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर होगी, दूसरी साइड बराबर होगी तो हम यहां पर लिख देते हैं बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई, एफ ई। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिएगा गौर से, यही हमें सिद्ध करना था। सवाल में देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना था, ये देखिएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे सी, ये इधर आए या इधर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको लग रहा है तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये भी लिख सकते हैं अगर आपको किसी, हालांकि ये भी सही है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे सी, ये भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, यहां सिद्ध हो गया सवाल। देखिएगा हमने कुछ नहीं किया है, बहुत ही आसान सा तरीका हम सब अपना रहे हैं, जो आपके त्रिभुज के अंदर समांतर भुजाएं दे रखी है ना उसी से आप अनुपात निकाल लो। अगर आपने अनुपात सही निकाल लिया तो लगभग सवालों में ऐसा ही होता है कि एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बाद में इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, हमारा सवाल नंबर जो है फाइव नंबर सवाल, पांचवा सवाल देखो। आकृति में डीई समांतर ओक्यू और डीएफ समांतर ओआर है तो दर्शाइए ये भी समांतर है। तो देखो इसी तरह का चित्र है। अब आपको मैंने जैसे बताया पहले आप दिया हुआ लिख लो, सवाल उसी तरह चलेगा। देखिएगा हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं डीई समांतर है ओक्यू तथा डीएफ समांतर है ओआर, और हमें सिद्ध करना है, सिर्फ जो हमें करना है वो ये करना है ई एफ समांतर क्यू आर, कर देंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको बस वही जो तरीका बताया है वही अपनाओ, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जो आपको तरीका बताया है उसको आप अच्छी तरह अपनाओ, आप उसको 100% हल कर पाओगे। चलिएगा हम देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो देखिएगा ये जो DE समांतर OQ, DE कौन सी है, ये है हमारी DE OQ, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे सिर्फ, ये दिख रहा है, थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूं इसको, आपको आसानी से दिखे, ये है ये वाला, ठीक है, और इसके समांतर है ये भुजा, दिख रहा है आपको, बस यही हमें लेना है। तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, आपको मैंने बताया वैसे ही सिद्ध कीजिएगा। तो देखो त्रिभुज इसका नाम क्या है, ए क्यू ओ पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में हमें दे रखा है डीई समांतर ओ क्यू,
ठीक है, अगर ये है तो हम क्या कह सकते हैं इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर ले लो। भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर ले सकते हैं, भुजाओं का अनुपात देखिएगा हम इस तरह से ले सकते हैं PE बटे EQ, ये PE बटे EQ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा PD, PD बटे DO के। ये हमारी समीकरण नंबर एक होगी परमेय से, आप लिख सकते हो परमेय से। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, पहली हमारी बात होगी दूसरा त्रिभुज लेते हैं इसी प्रकार। दूसरा जो त्रिभुज है PRO, PRO में PRO कौन सा त्रिभुज है इसको भी देख लीजिएगा, मैं डार्क यहां पे बना देता हूं आपको आसानी से दिख जाएगा यहां पे ये वाला, ठीक है, और इसमें ये भुजा इसके समांतर है, यहां पर आपको दिख रहा है ये त्रिभुज हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर भी देखिएगा क्या दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है दूसरा अनुपात जो दे रखा है ये दे रखा है DF समांतर है OR के, ये जो DF है वो समांतर है OR के, तो यहां पर भी भुजाओं का अनुपात बराबर ले लो, ये है PF बटे PF के बटे में आएगा FR बराबर यहां पे PD बटे DO, PD बटे DO, ये समीकरण नंबर होगी दो। आपको समीकरण एक और दो से क्या लग रहा है, बिल्कुल वही लग रहा है जो मैंने आपको बताया है, यहां देखो PE बटे सॉरी यहां पर देखो PD बटे DO और इधर वाली PD बटे DO, अगर इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड बराबर होगी, ये तो हम कह के हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो को हल करेंगे तो इधर वाली साइड बराबर होगी यानी PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, लेकिन हम ये नहीं सिद्ध कर पाए अभी तक ये नहीं सिद्ध कर पाए, आपको ये कहा हुआ है कि ये जो EF रेखा है वो QR के समांतर है। अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पूरा, कौन सा त्रिभुज हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप त्रिभुज PQR में, PQR पूरे त्रिभुज में, PQR में, PQR में आपने क्या है समीकरण तीन से देखिएगा, ये हमारी समीकरण नंबर तीन है, PQ से देखो PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, देखिएगा यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे देखिएगा अब क्या आ रहा है, अब ये ऐसा आ रहा है यहां पे कि ये जो PE है अनुपात कौन सा है PE बटे EQ, PF बटे FR, ये तभी पॉसिबल होता है जब ये समांतर भुजाएं हो, परमेय 2.6.2 यानी परमेय 6.1 का विलोम, यानी अगर भुजाएं का अनुपात बराबर है तो वो दोनों भुजाएं जिससे अनुपात बन रहा है वो समांतर होती है, अगर भुजाएं समांतर होती है तो अनुपात बराबर होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे, तो ये जो भुजा है EF वो समांतर होगी किसके, QR के, ये हमें सिद्ध करना था, यहां लिख सकते हो 6. परमेय से, ये हमने परमेय से किया, 6.2 जो हमारी परमेय है उससे हमने इसको हल किया है। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल है उसको आसानी से कर सकते हो, यानी दूसरा जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट से अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। देखो आपको करना कुछ नहीं होता, जैसे जो समांतर भुजाएं दे रखी है उसी के अंदर हम क्या करते हैं त्रिभुज लेते हैं, जैसे यहां पर ये त्रिभुज लिया है, यहां पर ये लिया है, इसमें ये हमें समांतर दे रखा था, इसमें हमें ये समांतर दे रखा, तो इसी से ही हम अनुपात लेते हैं, इसी से ही हमने अनुपात लिया। अब अनुपात में देखा एक साइड बराबर आ रही है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी, जैसे ही हमने दूसरी साइड बराबर ली हमने तीसरा त्रिभुज ले लिया, ये सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज PQR लेते हैं, उसके अंदर अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर बन रहा है यानी इस भुजा का बटे इसका अनुपात बराबर भी इसका बटे इसका अनुपात, ये तभी होता है जब ये बीच वाली दोनों भुजाएं क्या हो समांतर हो, दोनों भुजाएं क्या हो समांतर हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से सवाल को आसानी से कर सकते हैं, तो ये हमारा जो सवाल था ये पांचवा सवाल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, हाँ ये भी उसी तरह का सवाल है, सिक्स्थ नंबर सवाल, लेकिन ये भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे लेवल का सवाल है, उसी तरह का सवाल है जो हमने पीछे किया है, बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सवाल है।
देखिएगा बाकी जो हम अर्थमेटिक जो करते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है उसमें तो बहुत सारे हमें गुणा भाग करना उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। हालांकि होते आसान है लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़े हार्ड हो जाते हैं तो हमें बोरिंग होने लग जाती है। लेकिन ये इस तरह के हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, सीधा आपका आंसर, आपने दो चार सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या दिया है। आकृति में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर है, तो आपको दर्शाना है, ये सिद्ध करना है बी सी है वो क्यू आर के समांतर है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखिएगा डरने की बिल्कुल बात नहीं है, सवाल एक ही तरह के हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक ही तरह के सवाल है। दिया हुआ क्या है हमें, ये दिया हुआ है कि जो ए बी है समांतर है पी क्यू, इससे हमें पता चला ये जिस त्रिभुज में आएगा वो त्रिभुज हमें लेना है, भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। दूसरा देखिएगा, और जो AC है वो किसके, PR के समानुपाती, ठीक है। तो आपको ये बताना है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है BC वो QR के समानुपाती, यानी सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है BC समांतर है किसके, QR के। अब हम देखते हैं, देखिएगा पहले थोड़ा सा सवाल को समझ लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा देखो AB और PQ है, ये AB आ रहा है PQ आ रहा है, यानी पहले वाला त्रिभुज तो हमारा ये वाला है, ठीक है, इसके अंदर हम भुजाओं का अनुपात बराबर लेंगे, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, दूसरा जो त्रिभुज है वो है कौन सा, AC और PR, AC और PR, तो ये वाला त्रिभुज है AC और PR। अब आपको सिद्ध करना ये वाला, बिल्कुल पीछे वाला सवाल है, बिल्कुल आप पीछे वाला सवाल देखेंगे तो उसी के जैसा ही सवाल है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज फर्स्ट वाला, ये वाला त्रिभुज लेना हमें पीओ क्यू में। पीओ क्यू में आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है जो ए बी है वो समांतर है पी क्यू, ए बी समांतर क्या है PQ है, AB समांतर क्या है PQ है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आसानी से करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करके दिखा देता हूं ताकि आप इस त्रिभुज को आसानी से समझ पाएं और इसको आसानी से सॉल्व करके भी आसानी से समझ पाएं। ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है बस वैसे ही है, ठीक है। यहां से देखिएगा OPQ, ये त्रिभुज है हमारा, भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहां पर देखो समांतर भुजा दे रखी है तो भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे पर में से, तो देखिएगा क्या होगा OA बटे AP, लिख सकते हैं OA बटे AP बराबर यह आ जाएगा OB बटे BQ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां पर इस त्रिभुज को मैं इस तरह से घुमा देता हूं यहां पे, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहां पर ये बिंदु O है मैंने यहां पर लिख दिया, उसके बाद में इधर B आ रहा है B लिख दिया, इधर Q आ रहा है Q लिख दिया, इधर A आ रहा है यहां पे, इधर P आ रहा है, कैसे भी आप घुमा सकते हो इसको। अब देखो ये लिखा होता नहीं ओबी बटे बी क्यू, ये रहा ओबी बटे बी क्यू, ओ ए बटे एपी, ओ ए बटे एपी, बस वही तो है इस त्रिभुज को हमने इसे बना दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा हम त्रिभुज लेते हैं, पर त्रिभुज कौन सा, इधर वाला, अब हमें इधर वाला चाहिए क्योंकि ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है, त्रिभुज पी ओ आर में, POR में आपको क्या दे रखा है AC समांतर PR, देखो आपको दे हुआ है AC समांतर PR, तो इससे भी हम भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, इससे भी हम भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, अब त्रिभुज कौन सा है मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अब त्रिभुज जो है वो ये है, ये वाला इसके अंदर समांतर भुजा है, तो इससे हम भुजाओं का अनुपात निकाले तो कैसा आएगा देखिएगा, तो यहां से हम भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं OC बटे CR, क्या लिया OC बटे CR बराबर क्या है, बराबर है OA बटे AP, बराबर क्या है ये हमारी समीकरण नंबर दो होगी। अब समीकरण एक और दो से देखें तो एक एक साइड दोनों की बराबर आ रही है, कौन सी, देखो OA बटे APR है, इसमें भी OA बटे APR है, तो ये वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी बराबर होगी, यानी दूसरी साइड जो दोनों की दूसरी साइड बची है वो भी बराबर होती है, वो भी क्या होती है बराबर। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण एक व दो से,
समीकरण एक व दो से क्या निकालेंगे, ओपी बटे बी क्यू बराबर होगा ओसी बटे सीआर। अब आप देखिएगा जरा थोड़ा सा हम सवाल को और आगे करते हैं हल तो हमारा आंसर आएगा। अब हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, अब हम त्रिभुज ये वाला लेते हैं ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में हम देखें तो हमारे पास ये आ रहा है भुजाओं का अनुपात ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। तो क्या भुजाओं का अनुपात नहीं है क्या, ये देखो ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, इसका मतलब ये बीच वाली जो भुजा है ना ये इसको समान अनुपात में विभाजित कर दी, तो बीच वाली भुजा यानी कि सामने वाली भुजा के समांतर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये जो भुजा है बी सी वो समांतर होगी किसके, क्यू आर के, क्यू आर के किससे, परमेय से, जो हमने परमेय 6.1 पढ़ी, हालांकि उसका विलोम है तो हम वो भी एक अलग परमेय है तो इसको लिख सकते हैं परमेय से, ये हमें सिद्ध करना। तो बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है दोनों ही देखें तो, ये जो हमने इससे पीछे वाला सवाल किया है और ये सवाल किया, दोनों ही लगभग एक जैसे सवाल है, बिल्कुल मिलते जुलते सवाल है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवालों में दिक्कत आने वाली है, मुझे नहीं लगता कि आपको इन सवालों में दिक्कत आने वाली है। तो ये थे आपके 6.2 के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और आप इनकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। सवाल बहुत सिंपल है, आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप उस त्रिभुज को अलग बना लीजिएगा, जहां पर आपको दिक्कत आ रही है उस त्रिभुज को अलग बनाइएगा और फिर उसका अनुपात लीजिएगा। अनुपात आप जब भी निकालोगे हमेशा ही ऐसा होता है, आपके 10th लेवल की बात करें तो लगभग एक साइड बराबर होगी तो दूसरी साइड भी बराबर होगी। अब दूसरी साइड या तो वो ही पूछेगा कि उनका क्या ये बराबर होती है, या फिर उससे बनने वाली भुजा केंद्र सी जो दो भुजाएं हैं उनको समांतर पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, निश्चित तौर पे आप इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम में कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डर कर ही छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और मैं कह रहा हूं अगर आपने वास्तव में ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस की है, तो निश्चित तौर पर आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, और आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ना केवल इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे बल्कि अच्छे से सीख भी पाएंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।